गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे एग्जांपल 4.6, जिसमें कहा है ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी, यानी कि कोई एक सिटी ए है और वहाँ दूसरी सिटी बी है, एक ट्रेन ट्रेवल करती है कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से एंड रिटर्न टू सिटी ए विद कांस्टेंट, यानी कि जाते समय उसकी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर, लौटते समय उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। कहता है एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा जाने का समय। तो फ्रॉम ए टू बी T1, तो जाने में कितना उसको समय लगा, तो डिस्टेंस तो वही है, तो इसको D मान लें। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड D/10 सेकेंड्स। फिर लौटने में बी टू ए, यानी बी से ए तक आने में T2 टाइम लगा मान लीजिए, तो डिस्टेंस तो वही ट्रेवल किया उसने बट स्पीड अब की बदल दी, T/20 सेकेंड कर दिया। अब यहाँ कहता है एवरेज स्पीड। देखिए ध्यान दीजिए, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस गया और लौटा तो कितना हो गया 2D, और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा क्या होगा D/10 प्लस D/20। अच्छा, अब नीचे साइड में यहाँ पर हम लोग LCM ले लेंगे, ठीक है। तो जब LCM लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा हमारा 20, तो यहाँ आ जाएगा 2D और प्लस ये D रह जाएगा, ऊपर 2D था ही। तो इन फैक्ट यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 22D तो था ही और 20 ऊपर गया, नीचे 3D हो जाएगा। तो D से D कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। गुड बाय।